जुल्म मिटाना चाहते हो। साथ दो, साथ दो। ये जो लड़का है ना वही वाला, ये कहता रहा एक दो दिन यासीन को हमने, अच्छा ये जरा बेवकूफ लड़का है कि ये पैदा ही नहीं होता जब मैं मंगल समृद्ध था, उसी बात हमारे नापियों में था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बराबर ठीक हो। तो मैं सारा मेजबान कर रही हूँ मौजूद जट सारी गल्ला कुछ अपनी गल्ला जाओ जी ने अभी बिल्कुल इस वक्त मौजूदा राजधानी अंदर तहसील चोई ना हल्का नंबर 5 इतने अज चौधरी यासीन साहब आए रहे दफ्तर इफ्ताह करी रहे नाल भाई दरी साहब भी आए ने भी कवरेज करने आए नाल एक भाई होर भाई साहब प्रिंसिपालिटी ने भाई फेन ये भी मौजूद न उम्मीद करने जो वीडियो से पसंद आई दफ्तर इफ्ताह वो भी चौधरी यासीन साहब की तस्वीर होती वो भी सब वीडियो पेश करता सब तो पहले सब तो पहले मेहरबानी बहुत शुक्रिया आए हो इलाके वेलकम करने भाई जी थोड़ा क्या हाल ठीक हो कि जगह थोड़ा अच्छा इतना कोई जलसा हो रहा बारे बसो जी एक कौन प्लेयर इतना बंदा अच्छा क्या समझे हो इतना जुतियां समझ जलसा जुल्म मिटाना चाहते हो, जालिम को हटाना चाहते हो, ये मुल्क बचाना चाहते हो, गुर्बत को भगाना चाहते हो। साथ दो, साथ दो, बिलावल का साथ दो, साथ दो, साथ दो, पीपी का साथ दो, साथ दो, साथ दो, बिलावल का साथ दो। लोगों को बदला रहे हैं इमरान खान आजाद कश्मीर में एक जाली रिमोट कंट्रोल पर पब्लिक को बदलाना चाहता है दामली के जरिए, लेकिन ताकि वो हिंदुस्तान के साथ किए हुए उस वायदे की जो है उस पर थप्पा लगा सके अपनी मर्जी का, लेकिन पाकिस्तान की हम पार्टी के होते हुए भुट्टो खानदान के होते हुए ये हम कभी नहीं होने देंगे। कश्मीर की स्पेशल का है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत में हमेशा मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर किया, इंटरनेशनल आया किया, पुलिस आया किया, पाकिस्तान की ओर कोई सियासी क्यादत नहीं कर सकी। जुल्फकार अली भुट्टो ने कश्मीर की आजादी के लिए 1007 तक जंग लड़ने का अजम का ऐलान किया था और वो अजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का साफा का था, वो अजम आज बिलावल भुट्टो का है। साथियों हमने इनकी साजिशों को नाकाम जाना है। 25 जुलाई जो है वो आपका दिन है, आपने एक पर्ची जो है वो आपको मिलती है जिसपे कोई एक तेरा नहीं खर्च होता, एक पैसा नहीं खर्च होता, उस पर्ची के जरिए आपने जो है वो अपने नुमाइंदे को मुखर करना है जो आपका नुमाइंदा असेंबली में जाकर आपकी भूख की आवाज बंद करेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जिस तरह माजी में आपने हमेशा मुझे कामयाब किया और मैं चार बार इस रियासत का वजीर बना, मैं इस रियासत का सीनियर वजीर बना और पिछला इलेक्शन जो है वो नून लीग ने दमदी की तो हमारे बहुत सारे साथी इलेक्शन हार गए
मैं फिर मुझे अल्लाह ने आपने हिम्मत की, मुझे वोट दिया, मैं जीता और फिर अल्लाह ताला ने मुझे जो है वो रियासत के जो बड़े दो होते हैं, रियासत के जो बड़े दो होते हैं असेंबली में, वो एक होता है कायद एवान का, वजीर आजम का, दूसरा होता होता है कायद हज़्ब इख्तिलात का। तो आपके सामने अल्लाह ताला ने मुझे 5 साल जो है उस मुझे बताया, इंशाल्लाह पाकिस्तान की पार्टी इलेक्शन जीत रही है। आपने 25 जुलाई को सुबह फजर की नमाज पढ़ के अपने पोलिंग स्टेशन पे जाना है, दुआ करके जाना है और शाम तक जो है अपने वोट की हिफाजत करनी है, रिजल्ट लेके जो है वहां से निकलना है फॉर्म 45। मैं आपको बता दूं कि जो प्यार और मोहब्बत, जो मुस्कुराटे मैं अपने लोगों में देख रहा हूँ, जो खुशी की झलक अपने लोगों में देख रहा हूँ, इससे ये जाहिर होता है कि ऊपर आसमानों पे हमारी कामयाबी का फैसला हो रहा है। वो आपने कर रही है, मैं आपसे वादा करता हूँ आपने एक दिन मेरे लिए सच करना है, वो पर्ची जो है वो मुझे देनी है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपके आएगा 5 साल फिर आपके दोस्ती आपके मुख की रखवाली और आपके गो की चौकीदारी करूंगा मैं, और जहां जहां आपके पसीने का कचरा होगा वहां मेरा और मेरे खानदान का खून आपके लिए हाजिर होगा। मैं मुनासिब नहीं समझता, लेकिन चूंकि मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी फादर साहब जो एक बड़े मुखैर शख्सियत के अमल है, इनके वालिद साहब हाजी चौधरी मोहम्मद चेयरमैन चौधरी मोहम्मद सादर साहब भी बड़े बड़े सखी और दिल वाले थे, ये भी बड़े सखी और दिल वाले हैं। इन्होंने ये जो चैरिटी का फ्लावर का बहुत था, ये जो काम शुरू किया हुआ है, जहाँ आपको नजर आ रहा है तो सड़के मैंने बनाई, जहाँ मैं नहीं बना सका इन्होंने बनाई है, और इन्होंने लोगों को सोचा उनकी तहलीफ भी दी है। ये जो कॉलेज आर्ट्स में भी आपका इसका हाल आपने बना के दिया, इन्होंने वहाँ जो है वो ऑडिटोरियम बना के दिया, और इनके बारे में जिस तरीका से यहाँ जबान इस्तेमाल की गई है, मैं उसकी शरीर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये ऐसे लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा। तो मैं इतना कहता हूँ कि जिन लोगों ने लगो जबान इस्तेमाल की है, मैं उनके बारे में इतना कहता हूँ कि ये सिर्फ उनके वालदेन ने उनकी तरबियत इस तरह दिया, हमारे वालदेन ने हमारी तरबियत अदब हमें सिखाया है, हमें किसी के खिलाफ जो है वो लगो जबान इस्तेमाल करने का जो है वो हमें तंदरीस नहीं की, हमारे दर्श नहीं दिया, हमें हमारे वालदेन ने अदब सिखाया है। मैं इतना कहता हूँ, ये जो लड़का है जो वही वाला ये कहता रहा कि चौधरी यासीन को हमने, अच्छा ये इतना बेवकूफ लड़का है कि ये पैदा ही नहीं हुआ था जब मैं मेंबर असेंबली था, तो ये नापियों में था, ये वालद चौधरी सरवर साहब अच्छे आदमी थे, 90 में उन्होंने मेरा साथ दिया था और वो अच्छे खानदानी आदमी थे, लेकिन हमारे मासे खुदों में पैदा हुए नहीं होंगे। कल मैंने एक दोस्त दसा कि चौधरी मरीज है, इसमें चाचा वो ना ये इतना 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 बदतमीज है कि मैं ना चाचा कर सुन कोई पहाड़ी करे पहाड़ी सोच का खत्म होनी है ना, उसका माड़ी शुरू हो जानी है, क्योंकि अपना चाचा भी हो रहा ना, इस वक्त दौड़ा मैं इतना परेशान है, मैं इसे वादा ही देता आता कि ये किसी समझाओ अगर फसाओ इसको। बाकी जरा ना माड़े को आया सी 2011 मैंने त्रै इलेक्शन माड़े को नाम लड़े, चौथा लड़ना त्रै ची जमानत जब्त हुई है, इंशाल्लाह चौथे ची जब्त होगी, आखिरी इलेक्शन इस बात का लड़ना, अगर लड़ने जो है सीधे लड़ सकते हैं। मैं बीमार हो जाऊं लोगों ने बाया है कि मैं यासीन ने बचना,
वो तेरे बचना हो तो मैं पति है उसकी, उसको चल नहीं होना, उसको चल नहीं होना, उसकी पता नहीं क्या क्या बीमारी हुई है, लेकिन मोले को मोला ना मारा तो मोला नहीं बन सकता। मैं इतना कहना रियासत खान के बारे में, वो रियासत ही बेचारा सादा आदमी है, कोई ये कोई इलेक्शन मोल लिखना इलेक्शन है तो नजर से मोल नहीं कुतरा वो डेटर बना नठे आ गए हैं, 10 साल माफी मंगी ने मुशरफ को सोशियल चला गया सी तो उन बीमारी ना बाणा कटा इंग्लैंड डेटे आ तो नून लीग ना कोई दूर इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पाकिस्तान पीस पार्टी इस मुल्क ने चारों सूबे में इतिहाद की जामन है और पाकिस्तान पीस पार्टी इस मुल्क कश्मीर की आजादी की जामन है। मैं यकीन कर रहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह फतह जो इंतजार कर रही है, ये है हमारे को एक छाया है वो मियां साहब आदत बड़ी छाया खड़ी शरीफ और दोनों कलाम का आगरा कि असरा वाला नेकी करिए ये नसरा तक नहीं भूल गए उल्टियां चाहता साढ़े को 2011 चौधरी रावण साहब बैठे इन्होंने बड़े भाई कोई विशेष सभा लाइकर बड़े इलेक्शन लेकिन सारे पैसे आसमाना को रहे सारे, मेरा ईमान है कि नीयत साफ है मंजिल आसान। मैं इस सरकार ने लोगों वास्ते अपनी सियासत जी है उसकी उन्होंने खिदमत वास्ते सियासत की है, इस कमेटी बनाई मैं राजधानी म्यूनसिपल कमेटी बनाई, मैं चौक साहब अपने टाउन कमेटी बनाई और राजधानी इस हुकूमत ने खत्म की। मैं इस हल्के 16 कालेज दिते 2 तहसीलों 16 कालेज और मैं इस हल्के सड़कों का जाल बछाया, ये मीरपुर कोटली रोड और मीरपुर खरेटा रोड चोड़ियाली इन्होंने दरमियान कोई लिंक नहीं सी, मैं 12 लिंक जोड़े 12 पहले तो मैं फिर जरा चौधरी फादर साहब न चौधरी रोशनी का मीटर सा विलियम कोलियन जरा प्राइमरी स्कूल है उसकी मिडल का दर्जा दर्शा प्राइमरी स्कूल है उसकी मिडल का दर्जा दर्शा और जरा नवा मिडल स्कूल है मैं पहले प्राइमरी से जो फादर साहब ने आकर उसकी मिडल का दर्जा था उसकी आई का दर्जा दर्शा और ये जरा पुल है जरा विलियम कोलियन बनया ये अज सादर साहब जराई राजधानी दलियावर जिला जटर ने नाम पर तहसील बनाई है, इस तहसील 50 बेड अस्पताल बना ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम 50 करोड़ रुपए की लागत नाल एक ऐसी स्कीम बनासा हर अपने मावा भेड़ा
बेटियों ने सिर्फ घड़े लासा और हर घर में पानी इलेक्शन लड़ रहा। मैं चुके दो इलेक्शन लड़ी लिया, एक इलेक्शन तो एक अगर तो इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल रहा, जाना जोखा ना माड़ा दौर की और मुश्किल रहा, लेकिन माड़ी लीडरशिप ने बिलावल साहब ने जरदारी साहब ने भी हुक्म दिता है कुंडली को इलेक्शन लड़ना। इस वास्ते कुंडली पीपल्स पार्टी ने चक्कर सीट जीती सी, उसके बाद नहीं जीती। इंशाल्लाह मैं उन्होंने हुक्म दिता मेरी जी कुंडली तू ही इलेक्शन लड़ रहा। मैं सोचा जब भी उन्होंने आख्या मैं आपने लड़ना है इलेक्शन, मतलब भी बिलावल साहब अल्लाह में मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा वादा करना, मैं तुम्हारी बाजार के इंतजार कर रहा। सारे दोस्तों ने गार्ड में प्रोग्राम रखा है।